उज्जैन के नानाखेड़ा चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने कार में अचानक आग लग गई। तत्काल कार में सवार लोग बाहर भागे। देखते ही देखते कार धू धू करके जलने लगी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुधवार को दोपहर में अचानक कार में आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। कार से धुआं उठता देख कार में सवार लोग बाहर निकलकर भागे। उसके बाद पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार उज्जैन से इंदौर जा रही थी। ये सिंधी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति हैं जो बीएम कॉलेज इंदौर में सर्विस करते हैं प्रोफेसर। वो उसमें गाड़ी में जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, संभवतः गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। समय से लोगों को पता चल गया तो इस कारण ये गाड़ी से नीचे उतर गए थे। फायर ब्रिगेड भी समय पर आ गई थी, आग बुझा दी है। कोई जनहानि भी नहीं हुई है, सब सुरक्षित।